गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ एचडी व्लॉग्स। आज जैसा आप बैकग्राउंड देख के आपको लग रहा होगा कि मैं कहीं बाहर नहीं अपने घर पर हूँ, या फिर आपने लास्ट वीडियो भी देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि इंडिया राइड अब खत्म हो चुकी है। इंडिया राइड जहाँ से हमने शुरुआत की थी हम वहीं पर आ चुके हैं। ये मेरा घर है, यह है बरारी भागलपुर, और आज है छठ। छठ आज से शुरू है, आज है नहाए खाए। यहाँ पर इसको कद्दू भात कहते हैं। कद्दू भात इसलिए कहते हैं क्योंकि कद्दू की सब्जी बनती है। कद्दू वैसे अगर देखा जाए तो बहुत सारे जगह पर जो कद्दू है वो हमारे यहाँ कद्दू नहीं है, जो लौकी है आप वो समझ लो, लौकी की सब्जी बनती है। तो उधर हमारी मम्मी, हमारी भाभी, हमारी दीदी, ये सब मिलकर सब्जी और बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, और आज बढ़िया बढ़िया खाना खाया जाएगा। और कल है खरना, और परसों पहली अर्घ, और उसके अगले दिन दूसरी अर्घ। ये है पीहू, है बंद करो उसको, बंद करो ना, हो गया बंद है। तुम कौन स्कूल में पढ़ती है? डीएवी। तो ये उसी स्कूल में पढ़ती है जिस स्कूल में हम पढ़ते। तुम्हारा चाचा कौन स्कूल में पढ़ता था? डीएवी। कौन क्लास में? थ्री में। तुम कौन से क्लास में है? LKG। ए चलो ठीक है, क्या देख रही है? YouTube। और यहाँ पर बन रहा है खाना। ये हर बार मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या होता है कि जो ये जो चूल्हा है ये आज से पहले कभी यूज़ नहीं हुआ होगा, और कभी यूज़ होगा तो पूजा के लिए ही यूज़ होगा, इनफैक्ट सिर्फ इसी चीज़ के लिए। तो यहाँ पर पूनम जी की बना रहा था बैगन का बचका, बैगन पकौड़ी। इधर बैगन पकौड़ी बन रहा है। इधर ये कौन सा घास है? ये साग का पकौड़ी, ये आलू का पकौड़ी, और इसमें इसमें है सब्जी। दिखाओ ये किस चीज़ का? आलू गोभी का सब्जी। अरे कद्दू का सब्जी कहाँ है? उधर है चावल, इसमें ये है दाल, और यहाँ है कद्दू का सब्जी जिसको बहुत सारे लोग लौकी का सब्जी कहते। अगर हम इसमें दाल भी दियो नहीं। दाल अलग बना है। तो ये मेरी मम्मी का खाना लग गया है। यहाँ देखो ये है कद्दू जिसको लौकी बोलेंगे, ये है आलू और गोभी का सब्जी, ये है दो चार तरीके के पकौड़े, बैगन का, आलू का, और किसी के साग का है। इधर भुजिया है, गोभी का फ्राइड है, और बैगन है, दाल है, चावल है। और ये रही मेरी मम्मी अपना आसन खुद ही बिछाते हुए और इसके साथ साथ यहाँ पर दही चीनी। तो माता थाली तो इतना सारा ये वाला खाली क्यों है? इसमें नवेद लगेगा ना, इसमें नवेद लगेगा, लगाओ फिर। ये किसको नवेद लगता है? छठ माई को। अपना इतना खाना, छठ माई का इतना कम, तो हर घर से नवेद लगता है ना, तो कितना खा पाएगी छठ माई। सही बात। अब देखो इतना इतना सब कुछ सजाया गया कि वीडियो आए, और अब मम्मी सबको साइड कर दे रही है क्योंकि ये बोल के इतना थोड़ी ना खा पाएंगे, सब जूठा ना हो जाए, थोड़ा थोड़ा अपने बस इतना सही खाओगी, खाएंगे फिर बाद में। ओ, फिर दे, सबको देंगे ना फिर। आज यही सारा खाना हमारे घर के जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं उनको भी देंगे हम लोग, क्योंकि जिनके जिनके घर में छठ नहीं होता है, जिनके घर पे छठ नहीं होता है उनके उनके घर पे हम लोग ये सारी चीजें जो बनती है वो हम लोग देकर आते हैं, ताकि वो लोग भी। ये एक्चुअली ये खाना नहीं है, इसको प्रसाद ही कहते हैं, छठ के नहाए खाए का प्रसाद है। इसको हमारे इधर कद्दू भात कहते हैं। हम लोग बचपन से, हमारे घर में आज से छठ नहीं हो रहा है, हमारे घर में मुझे लगता है जब से मुझे होश आया है तब से छठ हो रहा है। पहले मेरी नानी करती थी, नानी के जाने के बाद फिर मेरी मम्मी करती है। मम्मी को करते हुए कुछ 8 साल हो गए, 11 साल हो, नानी 11 साल हो गए लोग, तो 11 साल हो चुके हैं मम्मी। ये 12th एनिवर्सरी है। हालांकि जब मम्मी ने छठ स्टार्ट किया था तो बस यही सोच के किया था कि 5 साल करेंगे, पर फिर मम्मी को मजा आने लगा मम्मी को लगा कि नहीं अब जब तक मम्मी खा रही थी अब जब तक मम्मी के हाथ पैर सब काम कर रहे हैं तब तक छठ होता रहेगा। तो आज दूसरा दिन है छठ का, और आज वैसे तो पूरा दिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहा क्योंकि मुझे बाइक पे कुछ कुछ काम करवाना था अपनी नेक्स्ट राइड के लिए। लेकिन आज अभी क्या क्या है मैं बताता हूँ। आज के दिन को कहते हैं खरना। तो खरना में हम लोग जनरली क्या करते हैं कि खीर बनता है, पूड़ी बनता है, किसी किसी के यहाँ वो भी बनता है, की बने जी के? रोटी बनता है, दोस्ती पूरी बनता है। दोस्ती पूरी, दुश्मनी पूरी नहीं, दोस्ती पूरी, साथी का पूरी, रोटी तो साथी।
हाँ रसिया भी बनता है। हाँ गुड़ का रसिया। हाँ तो आज मम्मी का आज पूरा दिन फास्ट होगा। आज तो रो उपवास। चल अभी मम्मी भोजन करेगी पूजा करने के बाद। पिछले बार मम्मी ने बोला था पहले भगवान को नवेद चढ़ेगा फिर हमको नवेद चढ़ेगा। तो अभी मम्मी भगवान को भोग लगेगा फिर हमको परिवर्तनी को भोग लगेगा। हाँ तो मम्मी अभी पूजा करेगी और अभी अर्घ भी दिया जाएगा। भैया पंकज तो भैया देगा वो अर्घ। और अभी मम्मी हालांकि मम्मी कैसा डाउन है क्या पावर डाउन है थोड़ा सा तो लग रहा है। अभी अब से शुरू होता है सबसे कठिन व्रत। जितना भी पर्व त्यौहार छे ओकरामे सबसे कठिन छठे छे सबसे कठिन छठ होता है कि क्योंकि जैसे आज पूरा दिन फास्ट अभी उसके बाद थोड़ा सा पूरी और खीर जो प्रसाद में मिलेगा। अच्छा जो प्रसाद में मिलते वही है ज़्यादा भी खा पा रहा जितना तो, पेट में बैठे उतना खा। अच्छा पूरी खीर आया एकदम बढ़िया दबा के खाया जा सकता। हाँ कल पूरा दिन बिना पानी के बिना कुछ ऐसे पूरा दिन फास्ट और परसों सुबह तक फास्ट। तो करीब करीब 24 घंटे का निर्जला व्रत मम्मी रखेगी। तो आज सुबह से भी तो मतलब पूरा भूखले है। हाँ। सुबह से कुछ तो चाय पानी अभी तो पूरी अभी शाम में खाएंगे। हाँ। पूरी खीर चाय। लेकिन एक बात है और कोई भी व्रत होता है तो मम्मी थोड़ा सा कभी कभी ऐसे थोड़ा डगमगा जाती है तबियत। लेकिन छठ में मम्मी को अलग पावर होता है। छठ माँ की कृपा से रहता है ना छठ में। तो अभी क्या कहते हैं अभी हम लोग का पूजा होगा। हालांकि मम्मी आज सुबह से बहुत कुछ बना भी ली। की बने ले माते पूड़ी बनाए खीर बनाए और क्या वो पूड़ी खीर बन चुका है। तो यहाँ हमारी भाभी पूड़ी छाँक रही है। मेरी सबसे बड़ी दीदी पूड़ी बेल रही है। थोड़ा की काम पूनम दी ऐसे अभी पूनम दी जितना भी है उधर का पीछे का काम। ये देखो ये बना है हमारा आज का खीर। ये मतलब ये इतना ज़्यादा इसलिए है क्योंकि हमारे घर में भी बहुत सारे लोग प्रसाद लेने आएंगे। और इस तो इस बर्तन में क्या मम्मी इसमें। अच्छा उसमें पूरी है पूरी दूध भी देखो अलग होता है छठ का। और यहाँ पे कल इसी जगह पर वो बनेगा ठेकुआ। तो मम्मी अब एकदम मस्त रेडी हो गई है और मम्मी जा रही है पूजा करने। जाओ मम्मी पूजा करो एकदम बढ़िया नया नया साड़ी पहन के मम्मी तैयार है। तो आज छठ का तीसरा दिन है। आज है संध्या अर्घ। कल खरना के बाद आज जनरली लोग क्या करते हैं कि आज यहाँ पर ठेकुआ बनाया जाता है। ठेकुआ जो जिनके जो छठ का महाप्रसाद है वो आज ठेकुआ भी बन रहा है। हमारे घर में भी यहाँ पर बन रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे बन रहा है ठेकुआ। और यहाँ पर मम्मी ठेकुआ ककरा ककरा से बना चाहिए आटा से। आटा में की डाल रहा आटा में चीनी दिया जाता है पसरट्टा दिया जाता है। आटा में डाला गया है चीनी और पसरट्टा की पांच रकम का उसमें मेवा 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 पंचमेवा डाला जाता है गरी गोला डाला जाता है किशमिश। ये देखिए आप ये है इसका रॉ मटेरियल। नहीं रॉ मटेरियल ये है ये फर्स्ट स्टेज है और ये फाइनल स्टेज। ये एक इमोशन है साल में एक ही बार बनता है ये। तो हम लोग नहा वहा के तैयार हैं और अभी हम लोग जो सूप है जो नारियल है वो सब लेकर घाट जाएंगे। और सब लोग तैयार है मम्मी पापा भैया भाभी बच्चा पार्टी भी तैयार है। और एक और एक भाई आया यहाँ पे देखो ये है ऋत्विक। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। ये हमारी एक इंटरव्यू शूट हुई है जो हम अगले वीडियो में डालेंगे। ये वीडियो पहले डाल देंगे। हर साल के छठ व्लॉग में हम इनके दिख ही जाते हैं फुल अटेंडेंस है। यहाँ पे पैकिंग हो रहा है। एक बोरे में जा रहा है गन्ना और इधर है सूप। यहाँ देखो ये पूरा एकदम व्लॉगिंग बना व्लॉग कर रहा है हल्ला मचा मचा के। तो यहाँ पे पैकिंग हो रहा है बढ़िया से एकदम जिसको भी हम उठा कर ले जाएंगे। माता टेंशन में हो क्या
हम लोग यहाँ पे रेडी हैं और डाला जा चुका है। मेरे हाथ में जो है वो दो झोला आया है जिसमें नारियल है और गन्ना है, केतारी है। चलो संध्या अर्घ की समाप्ति हो चुकी है। हम लोग शाम में अर्घ देकर आ चुके थे घर और सबको रेस्ट करना था और जल्दी जल्दी सोना था ताकि आज सुबह ये जो उषा अर्घ है इसमें हम लोग जल्दी से उठकर जा पाए। हालांकि बहुत जल्दी तो नहीं जा रहे। यहाँ मेरी मम्मी है। मम्मी हाय। हाय। मम्मी का आवाज़ थोड़ा डाउन लग रहा है। क्या हो गया मम्मी? कुछ नहीं हुआ। चलो फटाफट चलते हैं। हम लोग ऑलमोस्ट तैयार हैं। यहाँ से डाला वाला सब कुछ जा चुका है आज मेरे बगैर। चलो मम्मी हम लोग भी फटाफट चलते हैं। प्रसाद मिल गया यार। द मूवमेंट वी वेर ऑल वेटिंग फॉर। तो यहाँ पर आज 2022 का छठ समाप्त होता है। अब यहाँ से हम जा रहे हैं अपने घर फटाफट ठेकुआ खाने। तो प्रत्येक वर्ष की बातें, इस वर्ष भी हमारा जो छठ का पूजा है वो बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गया है। और मम्मी फोकस कर रही है ब्रेड चॉप पे और मम्मी की बहू आके मम्मी को दे रही है, क्या दे रही है मम्मी? पकोड़ा दे रही है, पकोड़ी दे रही है, जिंदगी तो मम्मी का यार। बहू है, बेटी है, बेटा है, सब है। तो मम्मी कैसा रहा तुम्हारा इस बार का छठ? बहुत अच्छा रहा, मजा आया। थोड़ा सा गंगा जी खराब था, पैर थोड़ा दलदली में फंस। हमारे इधर क्या है ना कि गंगा जी का जो मेन स्ट्रीम है वो यहाँ से 1 किलोमीटर आगे चला गया है। गंगा हमेशा पलटती रहती है तो अभी गंगा उस साइड चलेगी। यहाँ का जो जल है वो जो बचा हुआ पानी है बस वही सब है, तो इसीलिए यहाँ पर दलदल बहुत ज्यादा ही हो गया। इस बार बहुत ज्यादा था। और बगल में यहाँ पीहू है। पीहू क्या लेकर आई? क्या लेकर आई? क्या खिलौना है दिखाओ? नीचे नीचे क्या कौन कर रहा है, क्या कर रहा है? जाओ लेके आओ। और यहाँ पर हमारी सारी बहनें और भाभी मिलकर बना रही है कचरी, फुलौड़ी, पकौड़ी और ब्रेड चॉप। नमाते पीहू खिलौना क्या लेकर आए? इसको इसको इस क्या करेंगे, इसको क्या करते हैं? घुमाते हैं उसे, इसको कलर को सब एक जैसा बनाते हैं। मम्मी हर बार के जैसा इस बार भी क्या कहते हैं, सबको आशीर्वाद दे दो। सबको मेरे तरफ से आशीर्वाद है। हाँ। आज ये ब्लॉग का
ब्लॉगिंग क्या करना? नहीं नहीं वो तो सब्सक्राइब करना बाद में, लेकिन सब लोग ऐसे हंसी खुशी रहे अच्छे से। हाँ, सब लोग हंसी खुशी रहे, वह हर साल छठ मनाते रहो। हाँ, मेरा आशीर्वाद है सबको। हाँ, और क्या बोले, और बस अब तुम फोकस करो अपने ब्रेड पकौड़ा पे। हम भी हर साल छठ मनाते रहे बढ़िया से, और क्या। तो अब मैं आपको सीधा कल मिलता हूँ। बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रहा हूँ डेली ब्लॉग डालने का, और डेली ब्लॉग पे आप रिस्पॉन्स भी अच्छा दे रहे हो। आज से एक काम करते हैं, एक छोटा छोटा टारगेट रखते हैं कि यार जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आप भी मेहनत करो। इस वीडियो पर टारगेट रखते हैं कि 1500 लाइक्स ज़रूर आ जाए यूट्यूब पर, फेसबुक पर तो आप जितना डाल सकते हो, और कम से कम 250 कमेंट्स ज़रूर आ जाए। तो अगर ऐसा आएगा तो मुझे भी थोड़ा ऐसा लगेगा कि हाँ यार, जब जनता ऐसे मेहनत कर रही है तो हमें भी मेहनत करना चाहिए। फिर हम कोशिश करेंगे एवरीडे एक व्लॉग डालने का। परसों से मेरी राइड स्टार्ट होने वाली है, तो फटाफट तैयारी करनी है उसकी। बहुत बड़ी राइड होगी, कौन सी राइड होगी आपको कल वाली वीडियो में पता चल जाएगा। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फेसबुक पर पहली बार देखा है तो फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं गाइज बहुत जल्द अपने नेक्स्ट राइड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।